इसराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। हमास ने इसराइल के ऊपर दशक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें अब तक इसराइल के 1200 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसराइल भी हमास के अस्तित्व को खत्म करने में जुटा हुआ है। कई विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल पर हमास ने इतने बड़े हमले की प्लानिंग की, इस हमले को अंजाम दिया और मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि मोसाद अपने खुफिया कारनामों के लिए जानी जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोसाद अपने खुफिया कारनामों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, ठीक वैसे ही इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। अब आइए जानते हैं कि मोसाद की स्थापना कब की गई, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये पूरी दुनिया में इतनी फेमस कैसे हो गई। मोसाद के सफर की शुरुआत इसराइल के बनने से पहले हुई थी। 1930-1940 के बीच हिटलर ज्यूस के नरसंहार में लगा हुआ था। हिटलर से निपटने के लिए ज्यूस लोगों ने कई मिलिट्री संगठन बनाए थे। इन संगठनों की अपनी अलग अलग खुफिया एजेंसियां होती थी। इन्हीं में से एक संगठन का नाम था हगाना, जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम था शाय। शाय को 1940 के समय बनाया गया था और बाद में यही इसराइल की खुफिया एजेंसी बनी। 13 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन रख दिया गया और फाइनली 1951 में इसे मोसाद में कन्वर्ट कर दिया गया।